राजस्थान में पिछले 24 घंटे के दौरान हुई मूसलाधार बारिश के चलते जैसलमेर, पाली और जोधपुर जिलों में कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में भी भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। जम्मू में तवी नदी का जल स्तर बढ़ गया है। मौसम की मार से हलकान हुए हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी स्थिति अब तक सामान्य नहीं हो पाई है। हिमाचल में भूस्खलन के बाद से लापता लोगों में से और 2 लोगों के शव मिले हैं, जबकि 35 लोगों की अभी तलाश जारी है। वहीं उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के रास्ते में फंसे लोगों को निकालने का काम भी चल रहा है। मौसम विभाग ने इन दोनों राज्यों में अगले 5 दिन भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जयपुर स्थित स्थानीय मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक मंगलवार सुबह 8:30 बजे तक जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ और बनियाना में क्रमशः 260 मिलीमीटर और 206 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं पाली में 257 और जोधपुर जिले के डेचू में 246 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई। इन जिलों में अन्य जगहों पर भी भारी बारिश हुई है, इससे कई इलाकों में भी पानी भर गया है। जोधपुर संभाग के ट्रैक पर पानी भर जाने के कारण ट्रेनों की आवाजाही भी बाधित हुई और 2 ट्रेनें पूरी तरह से, 3 ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द करनी पड़ी हैं। कुछ ट्रेनों के मार्ग बदलने पड़े हैं। उत्तराखंड में बारिश आफत बनकर बरस रही है। जगह जगह मलबा आने से 4 राज्य मार्ग समेत 87 मार्ग बंद हो गए हैं। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के मुताबिक बंद मार्गों को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। बारिश के बाद देहरादून जिले के दूधली मोथरो वाला मार्ग में मलबा आ गया है। सीवर लाइन की खुदाई के काम के चलते पहले ही मार्ग जगह जगह से क्षतिग्रस्त है। जम्मू संभाग के कई हिस्सों में सोमवार की रात और मंगलवार की सुबह बारिश हुई। पहाड़ी इलाकों में भी जमकर मेघ बरसे, इससे नदी नालों में उफान आने के साथ ही तवी नदी का जल स्तर भी बढ़ गया। पारे में गिरावट आई है और धुंध व बादल छाए रहने से कटरा सांझी छत हेलीकॉप्टर सेवा भी बाधित रही। मौसम विभाग के मुताबिक 13 अगस्त तक कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत के मैदानी इलाकों में अगले 3 से 4 दिन भारी बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान में कुछ जगहों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। वहीं इस सप्ताह के दौरान उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी व्यापक वर्षा हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुधवार को और उत्तराखंड में 7, 9 और 10 अगस्त को भारी बारिश होने की संभावना है। 12 अगस्त तक असम और मेघालय में भारी बारिश होने का अनुमान है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 10 अगस्त तक भारी बारिश हो सकती है। वहीं 8 अगस्त तक ओडिशा और झारखंड व बिहार के अलग अलग स्थानों पर 11 अगस्त तक बारिश होते रहने की संभावना है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।